और अभी तक टोटल अगर हम देखें तो मां ने टोटल 1675 एप्लीकेशंस पे डिसीजन लिया है अपना फाइनल डिसीजन लिया है जिसमें कि 1010 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें न्यू पीजी कोर्सेज स्टार्ट करने की बात कही गई है या आप कह सकते हो कि एप्लीकेशंस के थ्रू कॉलेजेस में जिसमें न्यू डिपार्टमेंट नहीं है उन डिपार्टमेंट को के लिए रिक्वेस्ट की गई है साथ में उसके अलावा जिसमें ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है जिस भी कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी है उन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट्स को बढ़ाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अभी तक जो है वो उस पर फाइनल डिसीजन ली गई है वो एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट की गई ये आज से पहले के फेजेस के बारे में आज जो हम है वो करंट फेज की बात कर रहे हैं आज वाली फेज की बात कर रहे हैं कर रहे हैं जिसकी नोटिफिकेशन कल आई थी इस करंट फेज uh, की बात करें तो इसमें जो टोटल एप्लीकेशन जिसपे एन एम सी के थ्रू फाइनल डिसीजन ली गई वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू नाइनटी सेवन है जिसमें ज्यादातर एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट्स को बढ़ाने के लिए है जिस पर फाइनल डिसीजन ली गई है टोटल टू सिक्सटी सेवन एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें सीट्स डिपार्टमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी है बट उनको उनकी सीट्स को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन जो है वो भेजे गए रिक्वेस्ट डाली गई जिस पर फाइनल डिसीजन माप के थ्रू ली गई और इनमें से थर्टी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशंस डाली गई थी ना इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये सब अप्रूव्ड सीट है ये अप्रूव्ड सीट अभी नहीं है ये रिक्वेस्ट कॉलेजेस है, है, के तरफ से एनएमसी को भेजी गई एन उन पर फाइनल उन्होंने लिया वो डिसीजन जो है वो कॉलेजेस को ई के थ्रू भेजी गई उनमें अगर कॉलेजेस को कोई ऑब्जेक्शन लगती है तो कॉलेजेस फिर से एनएमसी मैप के थ्रू जो है सामने अपनी बात को रखेंगे अगर इनमें मां आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये जो अप्रूवल हम दे रहे हैं या जो अप्रूवल पे ऑब्जेक्शन रेज किए जा रहे हैं कॉलेजेस की तरफ से अगर वो ऑब्जेक्शन सही रेज किए जा रहे हैं तो फिर उन सीट्स को भी अप्रूवल दी जाएगी सो so, अप्रूवल अभी इनको नहीं मिली है ये एक इंडिकेशन है दैट Uh, 675 टोटल एप्लीकेशंस एंड इन करंट फेज 297 एप्लीकेशन अब ये जो इस फेज में ये जो न्यू फेज है लेटेस्ट फेज है इसमें जो 297 एप्लीकेशंस ली गई है जो जिस पे फाइनल डिसीजन ली गई है उसमें कौन-कौन से ब्रांच में कौन-कौन से कॉलेज से सीट्स बढ़ने के लिए बढ़ सकती है और कौन-कौन से कॉलेज में न्यू डिपार्टमेंट कौन-कौन सी ब्रांच की आ सकती है वो देख लेते हैं तो हम बेसिकली जो है क्लिनिकल ब्रांचेस को ही कवर करने वाले हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को अभी फिलहाल कवर नहीं कर रहे हैं अगर इफ यू वांट टू गो थ्रू विद नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आप हमें कॉल कर सकते हो एट द सेम टाइम आप इस नोटिस को चेक कर सकते हो विच इज बिन ऑफिशियली गिवन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट विच इज डब्ल्यू डब्ल्यू जी पे दी गई है सो so, एनएसा की बात करें तो अगर तो, और ये जो एप्लीकेशन भेजी गई है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट

पेरम बलू थर्ड वन इज डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पिंपली पुणे दिस इज अडीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस कड़ापा जीएमसी कड़ापा गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात फिफ्थ वन इज गुजरात अदानी इंस्टीट्यूट जो गुजरात की कॉलेज है सिक्स वन इज इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंटीग्रल जो यूपी की कॉलेज है लखनऊ देन सेवंथ वन इज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दत्ता जे एल एन वाल जो महाराष्ट्र की कॉलेज है

तो ये दोनों ही कॉलेज की तरफ से सीट्स बढ़ाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट डाली गई थी इसके बाद पादुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वडोदरा देन फोर्टींथ वन इज राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली फिफ्टींथ वन इज शांतिराम मेडिकल कॉलेज नांदल सिक्सटींथ uh, uh, वन इज श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अगेन बेंगलोर कर्नाटका ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका एटीन यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकलही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अगेन बैगलोर ये उन्नीस कॉलेजेस है जिसकी तरफ से जिनमें सीट्स बढ़कर आ सकती है अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स डिपार्टमेंट नहीं है बट उनमें सीट्स उसमें डिपार्टमेंट लाने के लिए न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है अनास्टेशिया में तो वो इस पेज में इस ये जो 1297 एप्लीकेशन है जिसकी नोटिफिकेशन कल आई है इसमें कोई ऐसी कॉलेज नहीं है बट इससे पहले वाले जो नोटिफिकेशंस आप अगर करियर मीडिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो हम रेगुलर उन पे अपडेट्स डाल रहे हैं अगर आप उनमें देखोगे तो उन्होंने न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है उस उसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है बट इस फेज में कोई ऐसी न्यू कॉलेज नहीं है ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट एनस्टिशिया की जिसको फाइनल डिसीजन मिली हो की बात करें तो देर आर ऑलमोस्ट सेवेंटीन कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें कि एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसमें सीट्स बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाला गया फर्स्ट वन इज बी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बेंगलोर की कॉलेज है

पैसिफिक की दूसरी ब्रांच से भी आ, इसकी जो है वो आ, रिक्वेस्ट आई हुई है कि इसमें भी डॉमेटोलॉजी दे, की सीट बढ़नी चाहिए कौन सी है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेडिकलो का बेदला ये जगह का नाम है टेंथ वन इज राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च बदेली इलेवंथ वन इज शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ uh, मेडिकल साइंस शिमोगा मेडिकल साइंस श्रीनिवास नगर विच इज इन मैंगलोर थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज ये मुरादाबाद की कॉलेज है यूपी देन ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर वन इज वन इज विनायका मिशन जो कि एक सेलम की कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड द सेवनटीन वन इज आर एन टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान की कॉलेज है ठीक है अब अगर सिमिलरली अगर हम बात करें कि डर्मेटोलॉजी में कौन सी ऐसी कॉलेज है जिसमें न्यू ब्रांच आ सकती है वो है जीएमसी हल्द्वानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है वो है धनलक्ष्मी श्रीनिवास श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज और जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है इमरजेंसी मेडिसिन की बट सीट बढ़ के आ सकती है वो है जेलन वाल्धा फर्स्ट वन इज सेकेंड वन इज किम्स बैंगलोर थर्ड वन इज विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज सेलम नाउ ईएनटी की बात करें तो किसमें किसमें किसमेंट बढ़कर आ सकती है न्यू किसी भी डिपार्टमेंट न्यू कोई भी कॉलेज ऐसे नहीं है जिसमें कि इस फेज में डिपार्टमेंट आने वाली हो बट एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में जो सीट बढ़ के आ सकती है वो किसमें किसमें है फर्स्ट वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पेदम्बलूर सेकंड वन इज किम्स बैंगलोर थर्ड वन इज केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर फोर्थ वन इज ओसमानिया मेडिकल उदयपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल धवनगिर एट्थ शांतिराम मेडिकल कॉलेज नांदल नाइन्थ वन इज सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ टेंथ वन इज ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर एंड इलेवंथ वन इज विनायका मिशन सेलम इनमें जो है वो ई एन टी की सीट बढ़कर आ सकती है जनरल मेडिसिन की बात करें तो एक कॉलेज है जिन्होंने जिनमें न्यू डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन की आ सकती है बट उन्होंने बाय मिस्टेक कॉलेज का नाम उसमें नहीं डाला है इसलिए जब आप शीट में देखोगे तो उसमें ये लिखा आएगा द द द नेम ऑफ मेडिकल कॉलेज इज नॉट देयर इन एप्लीकेशन बट एक कॉलेज है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाला कि हमारे में जनरल मेडिसिन आनी चाहिए नाउ कौन कौन से कॉलेज में एक्जिस्टिंग जनरल मेडिसिन तो है उसमें सीट बढ़ बढ़कर आ सकती है फर्स्ट वन इज बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर सेकंड वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ थर्ड वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन

ट्वेल्थ वन इज पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड उदयपुर आई मीन वो जो uh, जो उसकी जो दूसरी ब्रांच राजस्थान में है पैसिफिक की पैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वडोदराज आर एन टी मेडिकल कॉलेज फिफ्टींथ वन इज राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली सिक्सटींथ वन इज शांति राम मेडिकल कॉलेज नांदयाल देन सेवेंटीन वन इज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर एटींथ वन शिमोगा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिमोगावास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल श्रीनिवास नगर दैट इज इन बैंग्लोर देन ट्वेंटी तीथांकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद ट्वेंटी फर्स्ट वन इज द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर ट्वेंटी सेकंड वन इज वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंग्लोर एंड ट्वेंटी थर्ड वन इज यूपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर तो 23 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स सीट्स बढ़ने के के लिए जिसमें बढ़ के आ सकती है इस फेज में इससे पहले जो मेडिसिन की की कॉलेजेस हैं वो अलग है ओबीजी बात करें तो अगेन कोई ऐसी कॉलेज नहीं है जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है इस फेज में इससे पहले वाले फेजेस में जरूर आ सकती है या इसके बाद वाले फेज में अगर आएगी तो बिल्कुल आ सकती है बट इस फेज में नहीं आती है इस फेज का मतलब ट्वेंटी नहीं है इस बात का ध्यान रखें ट्वेंटी में ही आएगी बट वो स्लॉट में फाइनल डिसीजन ले रहे हैं तो पहले 300 सौ एप्लीकेशन को उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया उस पर इंस्पेक्शन की उसके फिर रिजल्ट को भेजा जो भी चीजें फिर मान लेते हैं 250 को 250 और एप्लीकेशन को उन्होंने हैंडल किया उस पर फाइनल डिसीजन लिया फिर उन्होंने भेजा तो इस तरीके से करते करते इस इस फेज में कितने ये जो फेजेज हैं इस फेज में टू नाइनटी एप्लीकेशन है तो इसमें से किसमें किसमें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना ओबीजीवाई की बात करें तो किसमें किसमें सीट्स सीट बढ़कर आ सकती है वो है एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला सेकंड वन इज बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर थर्ड वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पेदम्बलू फोर्थ वन इज ई एस आई पीजीआई हॉस्पिटल न्यू दिल्ली फिफ्थ वन इज गोवा मेडिकल कॉलेज पंजी सिक्स वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कड़ापा सेवेंथ वन इज जी जी गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट वन इज इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लखनऊ नाइन्थ के बैंगलोर टेंथ वन इज के पीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर कोलकाता इलेवंथ वन इज पारूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वडोदरा ट्वेल्थ वन इज राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेलीज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर धवनगिरे दैट इज एस एस आई एम एस

20th 21st 21 ऐसे हैं जिसको सिर्फ इस बार, इस वाले फेज में जिसमें पर फाइनल ली गई है है. 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 उसको भेजा गया अब उनमें बढ़कर आ आ सकती है। आ सकती इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अप्रूवड अभी नहीं हुई है नजरी की बात करें तो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट एक कॉलेज ऐसा है जिन्होंने जनरल सर्जरी के लिए अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए डिपार्टमेंट की डिमांड की है बट इसीलिए द नेम ऑफ द मेडिकल कॉलेज इज नॉट मैं फॉर्म बट ऐसे जो कॉलेजेस हैं जिनमें की सीट्स बढ़ाने डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सर्जरी की बट सीट्स बढ़कर आ सकती है वो कौन कौन सी है

वन मुरादाबाद नाइनटींथ वन इज ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर ट्वेंटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर ट्वेंटी फर्स्ट वन इज यूनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर तो इन सभी में सर्जरी की ब्रांच जो है वो

फिफ्थ वन इज गोवा मेडिकल कॉलेज पंजी सिक्स वन इज हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन सेवेंथ वन इज जवाहरलाल नेहरू जेल वन वार्धाज कैंपेगुड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स बैंगलोर नाइंथ वन इज एम पी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर टेंथ वन इज पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर इलेवेंथ वन इज अगेन पैसे ब्रांच ट्वेल्थ वन इज पालूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वडोदरा थर्टींथ वन इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा जो ये दूसरी कॉलेज है इसमें आ सकती है राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली वन इज शांतिराम मेडिकल कॉलेज वन इज सिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिमोगा सेवनटींथ वन इज श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर वन एटीन तिथांकर मुरादाबाद वन इज द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर ट्वेंटी वन इज यूसीएमएस न्यू दिल्ली ट्वेंटी फर्स्ट वन इज वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर तो इनमें जो है वो पीडिया की सीट आ सकती है नाउ पैथोलॉजी की सीट की बात करें तो बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर और श्री गुरु राम राय श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट अमृतसर जो है डिपार्टमेंट ऑलरेडी है।, है, है वो है सबसे पहले करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ सेकंड वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज पेदम्बलुर थर्ड वन इज धारवाड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस धारवाड फोर्थ वन इज किम्स बैंगलोर फिफ्थ वन इज केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर कर महावीर जैन मेडिकल मुरादाबाद वन इज द तमिलनाडु डॉक्टर यूनिवर्सिटी चेन्नई इलेवंथ वन इज वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर ट्वेल्थ वन इज येनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर टीबी चेस्ट की बात करें तो दत्ता मेघे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें न्यू ब्रांच आ सकती है टीबी चेस्ट की बट जिसमें जिसमें सीट बढ़ के आ सकती है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं एट कॉलेजेस हैं ऐसे फर्स्ट वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पेरमबलू सेकंड वन इज गोवा मेडिकल कॉलेज पंजी थर्ड वन इज कैंपेगोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स बैंगलोर फोर्थ वन इज पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर फिफ्थ वन इज राष्ट्रीय राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो बैंगलोर की डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो सिक्स वन इज शांतिराम मेडिकल कॉलेज ल सेवेंथ वन इज एस डी एस ट्यूबेक्स रिसर्च चेस्ट डिजीज बैंगलोर एट वन इज यूनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर रेडियो की बात करें तो कोई ऐसी कॉलेज अभी नहीं है जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है इस फेज में इस 297 नाइनटी सेवन एप्लीकेशन में बट जिसमें जिसमें सीट बढ़ के आ सकती है वो कौन कौन सी है फर्स्ट वन इज एजे शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर सेकेंड वन इज अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला थर्ड वन इज बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज बैंगलोर फोर्थ वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ फिफ्थ वन इज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन श्रीनिवासूर मेडिकल कॉलेज सिक्स्थ वन इज डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे पिंपरी सेवेंथ वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा हिमाचल प्रदेश की जो है uh, और अच्छी भी कॉलेज है ये uh, रेडियो के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज पंजी

19th वन इज श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निवासागा मैंगलोर 20th वन इज तीर्थंकर महावीर मेडिकल महावीर जैन मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद 21st वन इज ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 22nd वन इज वेदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर 23rd वन इज एनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर आप देखो रेडियो की कितनी ज्यादा कॉलेजेस में सिर्फ इसी में सीट्स बढ़कर आने के चांसेस है ट्वेंटी थ्री मेडिकल की गई है सो so आप समझ सकते हो इस बार की सीट जो है वो किस हिसाब से बढ़ सकती है अगर इनमें से ज्यादा और जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स को बढ़ा रही है इसमें से ज्यादा से ज्यादा सीट्स मुझे लगता है अप्रूव भी हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होंगे तो इस बार जो सीट्स बढ़कर आएंगे वो अच्छे खासे नंबर्स में बढ़ के आ सकती है अपथल की बात करें

थ वन इज पारूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वडोदरा सेवेंटींथ वन इज आर एन टी मेडिकल कॉलेज एटींथ वन इज राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली नाइनटींथ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर ट्वेंटी शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा ट्वेंटी फर्स्ट वन इज सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ ट्वेंटी सेकंड वन इज ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर ट्वेंटी थर्ड वन इज यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इटावा ट्वेंटी फोर्थ वन इज विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज करायकल पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है। वन वन इज़ इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल बैंगलोर, 26th येनोपिया मेडिकल मैंगलोर। तो 26 ऐसे मेडिकल साइंस कॉलेज तो ऐसे जिस जिसमें रिक्वेस्ट डाली गई है कि इस बार जो है वो आ, सीट्स बढ़कर आएंगी की बात करें तो कोई ऐसी नहीं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट होके आएगी इस फेज में बाकी के फेजेज में है बट जिसमें जिसमें सीट बढ़ के आ सकती है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो टोटल अगर हम देखें तो 14 कॉलेजेस हैं इसमें फर्स्ट वन इज बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर सेकंड वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ थर्ड वन इज इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ फोर्थ वन इज जे एल वालधा फिफ्थ वन इज किम्स बैंगलोर सिक्स वन इज पैसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर सेवंथ वन इज पादुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वडोदरा, वन इज राष्ट्रीय शांतिराम मेडिकल कॉलेज कॉलेज मुरादाबाद वन इज द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर थर्टींथ वन इज यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इटावा फोर्टींथ वन इजेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर तो ये जो है इन सभी ब्रांचेस के लिए <coughs>

फर्दर अपडेटेड रखना चाहते हो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे